बैक टू ट्यूब चैनल एंड दिस इज शैलेंद्र विश्वकर्मा। सो गाइज, अभी तो हम लोग सेल स्क्रिप्टिंग पढ़ रहे हैं, बट आज के इस वीडियो में मैं सेल स्क्रिप्टिंग आपको नहीं बताने वाला। आज एक ऐसा एक CTF सॉल्व करने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, और CTF का नाम है मी एंड माई गर्लफ्रेंड, और ये मैंने वर्जन आपसे डाउनलोड किया है। सो गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस CTF को और उसको कैसे सॉल्व करें। उससे पहले गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो यार, अगर ये आप CTF सॉल्व करते हो तो आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक ना। आपके पास, मैं नहीं कर रहा हूँ, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, ठीक ना। क्योंकि इस CTF को सॉल्व करने के लिए अगर आप विंडोज, मोस्ट ऑफ लोग आई थिंक, मुझे लगता है कि विंडोज यूज कर रहे होंगे, और वो अपने वर्चुअल बॉक्स या VMware पे रन करवाते होंगे, काली लिनक्स या जो भी है, ठीक है। सो आपको अगर CTF के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का, चूँकि जिसमें मैं बताया हूँ कि CTF क्या होता है, और मैंने एक और ऑलरेडी CTF सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक ना, जो कि 34 लेवल का था। इसमें वैसा कुछ नहीं है, बट इसमें दो फ्लैग्स हमको फाइंड करना है, ठीक है, और उस फ्लैग को हम फाइंड करने वाले हैं। तो सिस्टम का रिक्वायरमेंट है यार कि मिनिमम आपके पास 8 GB रैम होना चाहिए, ठीक ना। अगर 4 GB रैम है, i5 प्रोसेसर है, तो मे बी अगर आपका सिस्टम ऐसा है तो चल सकता है, बट आपके पास 8 GB रैम होना चाहिए। मेरे पास 8 GB है और i3 है तो चलेगा, अगर लिनक्स यूज कर रहे हैं वो तो। अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो बहुत लैग करेगा, ठीक ना। तो एज पर रिक्वायरमेंट आपके पास अगर है तो इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हो, और नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि डुअल बूट कर लो, चाहे जो भी है, ये सब चीज़ें आप खुद कर सकते हो। मैं इस वीडियो में बेसिकली आपको CTF सॉल्व करके बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो वो CTF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट दिखा भी दे रहा हूँ, ओके। सो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो कि हर वीडियो में मैं बोलता हूँ या सब लोग बोलते हैं, कि अगर आप चैनल पे नया आया हो और इस तरीके की वीडियो अगर ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, और नहीं भी करोगे तो मुझे ये नहीं है कि आप करो ही, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो क्यों ना करोगे, सीधा सी बात है। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताना कहीं से प्रॉब्लम होता है। क्योंकि देखो, अगर ये CTF जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ बहुत ही ईजी लेवल का है, ईजी बेसिक्स लेवल का CTF है, बट होता क्या है कि जो बंदा इस फील्ड में नए आते हैं तो उनके साथ सेटिंग्स में या इधर उधर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, और वो उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं गूगल के हेल्प से, चाहे उनको सही आर्टिकल नहीं मिल पाते, वीडियोज नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से नहीं सॉल्व कर पाते, तो वो छोड़ देते हैं इस चीज़ को। तो आप यार कमेंट करके बताना, या आप मेल भी कर सकते हो, मैं मेल भी दे दूंगा। आप अवार्ड में जाके, चाहे मेरे चैनल के अवार्ड पर जाके, या वेबसाइट भी दिखा दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसे कनेक्ट करके बोल सकते हो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ओके। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए, और इसको साइड कर लेता हूँ, चलो ठीक है। बेसिकली मैं कहाँ से डाउनलोड किया हूँ वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, और मैं अपना फायरफॉक्स ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। मैं लिनक्स मिंट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मेन मशीन के रूप में, ठीक ना। अभी यहाँ पे आपको worldhub.com लिखना है इस तरीके से, गाइस सॉरी, देख सकते हो worldhub.com, और सर्च करना है। तो worldhub पे आएंगे तो इस तरीके से जो भी इसका फर्स्ट में रिसेंट में रहता है वो दिखाता है। तो आपको सर्च पे जाना है, सर्च पे जाने के बाद यहाँ पे आपको गर्लफ्रेंड सर्च करना है, ठीक है। इस तरीके से मैं सर्च किया हूँ, देख सकते हैं। तो गर्लफ्रेंड सर्च करोगे तो, और आपको गो पे क्लिक करना है तो इस तरीके से आ जाएगा, और फिर सर्च पे आपको क्लिक करके इसको साइड कर देना है, ठीक ना। तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक ना। ये हमारा CTF है, ठीक है, मशीन है, और इसको जिसने अपलोड किया है वो ये इसका यूजर नेम वाला पे है, ठीक है। तो उनको थैंक्स बोल दो कि उन्होंने आपको एक प्रैक्टिस लैब दिया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच TW1C3, ओके। तो मैं वीडियो में, चलो इस पर क्लिक करके इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं कि क्या है। CTF का नाम है मी एंड माई गर्लफ्रेंड, ओके, एंड सीरीज है ये, एक तरह से 1 आया है, और मे बी आगे आएगा, अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ से आप OVF फाइल डाउनलोड कर सकते हो, 693 MB का OVF फाइल है, जिसको आप मिरर डायरेक्ट डाउनलोड भी, मिरर भी कर सकते हो, और टोरेंट के थ्रू भी, मैग्नेट के थ्रू भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन क्या है पढ़ लेते हैं। दिस VM टेल्स अस देयर आर अ कपल ऑफ लवर्स नेमली एलिस एंड बॉब। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एलिस एंड बॉब नाम का एक कपल है, जो कि लवर्स बोल सकते हो, इस मोहब्बत प्यार में डूबने वाले लोग, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि एलिस एंड बॉब नाम का जो भी है
वो बंदा उसके बारे में कुछ बताया गया, वेयर द कपल वॉज ओरिजिनली वेरी रोमांटिक। अच्छा रोमांटिक भी था भाई, कपल है चलो रोमांटिक थे ये लोग, बहुत अच्छा है कपल है तो रोमांटिक होना भी जरूरी है, ठीक ना, नहीं तो गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी। ठीक है चलो ये सब बकवास नहीं करते। ओके तो बट सिंस एलिस वर्क एट अ प्राइवेट कंपनी, और एलिस क्या था, प्राइवेट कंपनी में काम करता था, वर्क करता था, जिसका नाम है केवन कॉप या सेवन पॉप कॉप, जो भी पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो। ओके समथिंग हैज चेंज फ्रॉम एलिस एटीट्यूड टुवर्ड्स बॉब, लाइक समथिंग इज हिडन एंड बॉब आस्क फॉर हेल्प टू गेट द एलिस इज हाइडिंग एंड गेट अ फुल एक्सेस टू द कंपनी। अच्छा तो जो वो बंदा था एलिस, या जो भी एलिस है, बॉब है, जो भी है, ठीक ना, जो बंदा बंदी जो भी है, ठीक ना, वो दोनों में से कोई एक क्या किया, क्या कर रहा था कि वो कुछ हाइड कर रहा थे, ठीक ना, तो हाइड कर रहा था, तो वो दूसरे वाले बंदी जो है, अगर बंदी थी तो बंदा था जो भी है, तो वो क्या करने लगा, वो सोचा कि इसका जो फुल एक्सेस का जो भी सिस्टम है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में जहाँ पे काम करते थे, अगर उसको एक्सेस मिल जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि क्या है, क्या मुझे हाइड कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, ये बताने का कोशिश, इसका मोटिव को समझना यार, बताने का कोशिश ये किया है कि ये बंदा यहाँ पे फ्लैग को हाइड कर रहा था, ठीक, और उसको चाहिए था कि हमको फ्लैग मिल जाए, हम क्या हाइड कर रहा है वो पता करना है, तो वही पे हमको पता करना है। और डिफिकल्टी लेवल बिगनर्स दिया हुआ है बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए, ठीक ना, तो आप इसको कर सकते हो, बहुत ईजी है। नोट्स, देयर आर टू फ्लैग्स, दो फ्लैग्स है, ठीक ना, लर्निंग वेब एप्लीकेशन एंड सिंपल प्रिविलेज एस्केलेशन, इस चीज में इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। ओके वर्चुअल मशीन किस पे सपोर्टेड है, तो वर्चुअल बॉक्स पे सपोर्टेड है, अगर वीएमवेयर यूज कर रहे हो तो मे बी नहीं काम करेगा, और नहीं भी काम करेगा तो आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, जो हमारा सिस्टम है, ये मशीन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज नहीं है, या चाहे फेडोरा लिनक्स कोई नहीं। DHCP enabled है, ठीक है, इसको IP address automatically assign हो जाएगा, ठीक ना, dynamic host configuration protocol जो होता है वो enabled है, IP address automatically assign इस तरीके से लिख रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे तो हो गया, अभी पढ़ लिया सारा कुछ, एलिस अब इसको क्लोज करते हैं, ठीक ना। उसके बाद मैं बेसिकली आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, मेरे वेबसाइट पे कि आपको, ताकि cyberspy.in जैसे आप सर्च करोगे .in तो इस तरीके से मिल जाएगा, और जो CDF वाला जो मेन्यू है वहाँ पे आप जाओगे तो इस तरीके से मैंने एक CDF अपलोड किया है जहाँ पे, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, ठीक है। ये मैंने बैंडी जो सबसे इजी लेवल का बिगनर्स के लिए, जो लिनक्स का बेसिक्स कमांड्स के बारे में, एकदम एडवांस बेसिक्स टू एडवांस कमांड के बारे में आप सीख सकते हो, वो बैंडिट है, उसको सॉल्व किया है मैंने 34 लेवल तक का। अब CDF क्या है ये चीज़ें भी मैंने बताया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बाकी तो इस यहाँ से आप इस पे जाओगे, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से आप देख सकते हो कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको अभी मिनिमाइज करता हूँ, और गाइस टाइम वेस्ट ना हो तो उसके लिए मैं क्या क्या हूँ कि अपना लिनक्स मशीन को ओपन करके रखा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और देख सकते हैं रूट मेरे पास KDE है, प्लाज्मा, ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल के ओपन किया, और वर्चुअल मशीन को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया है, जो मी एंड माई। तो इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं वो आप, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ से वर्चुअल बॉक्स को ओपन करेंगे नॉर्मली, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना तो आता ही है, इतना कौन, तो ओपन करेंगे, इंपोर्ट अप्लायंस पे जाएंगे, यहाँ से आपको फाइल को चूज करना है, ठीक है, इस तरीके से चूज कर सकते हैं आपका जहाँ पे फाइल पड़ा हुआ है। चलो मैं एक्चुअली मेरी जो फाइल है सिस्टम के अंदर और मीडिया के अंदर जाना पड़ेगा, मीडिया एवरेस्ट पर न्यू वॉल्यूम और CTF नाम का जो मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो इस तरीके से मी एंड माई गर्लफ्रेंड .ova फाइल है, यहाँ से आपको जस्ट ओपन पे क्लिक करना है। मैं ओपन करके रखा हूँ इसलिए मैं कैंसिल करता हूँ इसको, ठीक ना, या आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हो कि अब डायरेक्ट फाइल में जाओ, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, फाइल में गया, CTF पे गया, ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ पे मैं मी एंड माई गर्लफ्रेंड .ova जो मेरा फाइल है इस पर राइट क्लिक करो और ओपन विद वर्चुअल बॉक्स कर दो, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ सेटिंग्स करना होगा, तो इस पर क्लिक करके आपको सेटिंग्स में जाना होगा,
और सेटिंग्स में यहाँ पे नेट सिस्टम में जाने के बाद आपको इस नेटवर्क को इनेबल करना पड़ेगा, तभी आपको आईपी साइन कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद इनेबल ये आईओसी और पीओसी जो भी है हार्डवेयर के लिए यूटीसी, ये सबको आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। चलो ऑफ कर दिया, उसके बाद मशीन को स्टार्ट कर लेना है। तो इस तरीके से मशीन हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और चलो मशीन हमारा स्टार्ट हो गया है, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अभी हम इसको मिनिमाइज करते हैं और हमारा जो काली लिनक्स मशीन है वो ओपन करता हूँ। इस तरीके से मेरा काली लिनक्स स्टार्ट है। तो गाइज सीटीएफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये हमारा फर्स्ट सीटीएफ है इस वीडियो पे, ठीक ना। इस तरीके का सीटीएफ जो वीएम सीटीएफ होते हैं, ठीक ना, इस तरीके का सीटीएफ मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, ठीक ना। तो जस्ट आपको कंट्रोल आई टी का यूज करके आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है, कंसोल ओपन कर लेना है, ठीक है, या आप मैनुअली भी ओपन कर सकते हो। ये चीज जो यहाँ पे जो फर्स्ट जो हमारा है वो हमारा मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, उसके लिए हम लोग नेट डिस्कवर कमांड का यूज करते हैं, नेट डिस्कवर, ठीक है। अगर गाइस उबंतु काले लिनक्स यूज कर रहे हो तो ये प्री इंस्टॉल्ड आता है, और अगर आप काले लिनक्स नहीं यूज कर रहे हो तो उबंतु यूज कर रहे हो, लिनक्स मिंट यूज कर रहे हो, या कोई और टूल यूज कर रहे हो, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप काली लिनक्स को यूज करो, ताकि क्या हो कि उसमें बहुत सारे टूल आपको मैनुअली इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे अगर आप करते हो तो बहुत सारे टूल्स है जो कि यूज में आने वाली है इस सीटीएफ सॉल्व के दौरान, तो आपको क्या है कि इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस अभी हमको जो पीसीएस सिस्टम चिंक जीएम बीएच का जो आईपी एड्रेस है, हमारा मशीन का आईपी एड्रेस है, ठीक है। मैं कंट्रोल सी से कैंसिल करता हूँ, मशीन को कॉपी करता हूँ, आईपी एड्रेस इसका कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया आईपी एड्रेस। अभी हम इसके बाद जो मेरा हमारा पार्ट है वो हमारा स्कैनिंग पार्ट होता है, ठीक है ना। मशीन का आईपी एड्रेस तो पता चल गया, अभी स्कैनिंग के लिए हम लोग एनमैप का यूज करते हैं, एनमैप हाइफन ए, और नॉर्मल हम लोग एग्रेसिव स्कैन करने वाले हैं, और कंट्रोल शिफ्ट भी दबा के आपको 192 जो आपका आईपी एड्रेस मशीन का वो देना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं स्कैन कर लेता हूँ। तो देखो सीडीएम में आपको क्या है कि समय देना पड़ेगा, ठीक ना। आप सोचोगे एकदम जल्दी 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 तो ये चीज़ें नहीं पॉसिबल है, ठीक ना। तो आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको समय देना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे क्या स्कैन करके दिया एन मैप तो देख लेते हैं। पोर्ट 22 टीसीपी ओपन, एसएसएस सर्विस जो एसएसएस सर्विस है वो इनेबल है, ओपन है। चलो एक मिला, दूसरा है हमारा पोर्ट 80 भी ओपन है, टीसीपी एचटीटीपी सर्विस भी रन कर रहा है। चलो तो अभी एनुमरेशन का पार्ट आता है, ठीक ना। तो मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो एचटीटीपी ओपन है तो फर्स्ट जो हमारा बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो हमारा एनुमरेशन का पार्ट है, तो पहले हम क्या करेंगे अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे। और ब्राउजर ओपन करने के बाद क्योंकि एचटीटीपी एनेबल है, ओपन है एचटीटीपी सर्वर, तो देखते हैं कि हमारा किस तरीके का वेबसाइट है, क्या रन कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमको आईपी एड्रेस को अपने ब्राउजर में एनुमरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इस तरीके से ब्राउजर ओपन हो गया हमारा, ठीक है। और चलो मैं पेस्ट करता हूँ आईपी एड्रेस को, पेस्ट किया, ठीक है, और इंटर किया। ओके द प्रॉक्सी सर्वर रिफ्यूजिंग कनेक्शन, तो चेक कर लेते हैं मेरा प्रॉक्सी सेट है क्या। तो उसके लिए प्रेफरेंस में जाएंगे और सर्च करेंगे प्रॉक्सी, यहाँ पे प्रॉक्सी सर्च किया, हाँ तो प्रॉक्सी हमारा इनेबल्ड है, ठीक है। तो इसको हम ऑफ किया, ठीक है। अभी हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ओके। तो इस तरीके से हमारा जो एयरपोर्ट एटीपी इनोमिनेशन पार्ट जो था वो सक्सेस है। और ये क्या बोल रहा है कि हु आर यू हैकर, ओ गाइस, सो बेसिकली हमको हैकर बोल रहा है यार, या तुम्हें भी हैकर बोल रहा है, तो हैकर तो है नहीं हम लोग, ठीक ना, हम लोग पेन टेस्टर है। चलो तो सॉरी, दिस साइट कैनली बी एक्सेस्ड लोकल, सो ये जो साइट है वो हम लोग लोकल सिर्फ लोकल एक्सेस कर सकते हैं, इसको पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ
ये तो ऐसा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा जो एज अ सीटीएफ एज अ पेन टेस्टर जो हमारा हाँ तो अभी ओके सॉरी रुक गया था मैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो मिला है हमको कुछ इन्फॉर्मेशन, तो एज अ पेन टेस्टर हमको सबसे नेक्स्ट जो पार्ट बनता है जो किसी भी ब्राउजर से अगर किसी भी वेबसाइट को हम लोग HTTP अगर 480 ओपन है तो उसका वेबसाइट अगर ओपन हो रहा है तो उसका फिर हम लोग उसका सोर्स कोड देखते हैं। सोर्स कोड देखते हैं तो सोर्स कोड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ रहता है जो हमारा जो क्रिएटर है इस CTF का वो सोर्स कोड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तक उसके लिए कंट्रोल और यू का यूज करते हैं। ओके सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कंट्रोल यू और व्यू सोर्स किया या आप राइट क्लिक करके इस तरीके से राइट क्लिक करके और व्यू सोर्स पेज भी कर सकते हो तो आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है तो ओपन हो गया है कंट्रोल यू का यू। सो गाइस देख सकते हैं सेम थिंग लिख रहा है हु आर यू हैकर हैकर सॉरी दिस साइट कैन ओनली बी एक्सेस्ड लोकल और मे बी यू कैन सर्च हाउ टू यूज एक्स फॉरवर्डेड फॉर। सो गाइस यहाँ पे जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ पे कि हमको हमको क्या इन्फॉर्मेशन कुछ मिल सकता है सोर्स कोड के अंदर, तो यहाँ पे गाइस इन्फॉर्मेशन यही मिला कि यू कैन सर्च फॉर हाउ टू यूज एक्स फॉरवर्डेड। तो गाइस मैं बता दूँ आप एक्स फॉरवर्डेड के लिए आप गूगल कर सकते हो सर्च कर सकते हो। ठीक ना तो google.com हाउ टू यूज एक्स फॉरवर्डेड फोर। ठीक है इस तरीके से आप सर्च करके आप देख सकते हैं एक्स फोर। तो अभी एक्स फॉरवर्ड एक्स गाइस इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक ना कि एक्स फॉरवर्डेड को कैसे यूज कर सकते हो एक्स फॉरवर्डेड है क्या। ठीक ना तो अभी हम टेस्टर में ज्यादा इधर आपको समय नहीं किल करते हुए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ऑपरेटिंग ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक पेन टेस्टर के लिए बहुत ही जबरदस्त टूल जिसको आप जानते होंगे आई थिंक मुझे लगता है वो टूल का नाम है बॉबसूट। ठीक है और बॉबसूट में ये फीचर जो है हमको पहले से मिलता है एक्स फॉरवर्डेड का उसको इजिली हम लोग कर सकते हैं। ठीक ना तो बेसिकली देखो एक्स फॉरवर्डेड इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो एक्स फॉरवर्डेड फोर और उसके बाद हमारा आईपी एड्रेस है जिस पे जहाँ पे आप फॉरवर्ड करना चाहते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा लोकल होस्ट बोला है ये लोकल होस्ट फॉर लोकल होस्ट यू कैन फॉर लोकल एक्सेस फॉर लोकल है। ठीक ना तो लोकल होस्ट के लिए करेंगे। ठीक है चलो इसको ये करते हैं। अभी हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि गाइस वेबसूट यूज करने के लिए जो वेबसूट यूज किए होंगे जानते होंगे तो मैं बता दूँ उनको उनको पता होगा कि प्रॉक्सी हमारा इनेबल करना पड़ता है इंटरसेप्ट करने के लिए किसी भी ट्रैफिक को। तो प्रॉक्सी मैनुअल प्रॉक्सी आप ये चीज़ें सेट कर सकते हो। ठीक ना आपको अगर नहीं पता है कि कैसे सेट करते हो तो आप यार कमेंट करके बताना मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि हम लोग वेबसूट के लिए वेबसूट को कैसे सेटअप करते हैं एज अ पेन टेस्टर के लिए। ठीक ना और उसमें सर्टिफिकेशन वगैरह भी इम्पोर्ट करना होता है सीए का सर्टिफिकेशन तो वो सारी चीज़ें करना पड़ेगा आपको। अगर नहीं आप पहले यूज़ किए हो तो आप बताना मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। चलो ठीक है चलो यहाँ तक तो हो गया मैं इसको एक किया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि गाइस इसको मैं थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है अभी सही है। ठीक है ऊपर चला गया। हाँ अभी हम लोग यहाँ पर वेबसूट ओपन करेंगे तो स्टार्ट पे जाएंगे वेबसूट ओपन किए और ये थोड़ा सा वक्त लेगा स्टार्ट होने में। ठीक है अभी वीडियो हमारा 19 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है तो कोई नहीं भाई क्या है ना कि CDF आप सॉल्व कर रहे हो ना भाई तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा एक घंटा दो घंटा ऐसा ऐसा CDF होता है कि जिसमें आपको एक दो दिन भी लग जाता है तीन दिन से CDF को सॉल्व जो वो एडवांस लेवल की CDF होता है। ठीक ना तो यहाँ पे अगर आप लर्निंग के लिए एक घंटे दो घंटे भी दे रहे हो तो मैटर नहीं करता मैं खुद देता हूँ और आई थिंक मुझे लगता है अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में इस पर्टिकुलर CTF में तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप भी समय देते हो और देना चाहते हो। चलो वेबसूट इनेबल कर लिया। ठीक है अभी हम लोग क्या करेंगे ओके
तो गाइस अभी ये बोल रहा है नेक्स्ट करना है आपको, ठीक है, स्टार्ट बॉबसूट पे करना है। एक और बॉबसूट आपका ओपन हो जाता है, ठीक है, साथ में एक और, तो उसको आपको अपडेट वाला, तो उसको आपको क्या कर देना है, हटा देना है। चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ये बार बार ये अपडेट बोलता है, तो अपडेट नहीं करके आपको क्लोज कर देना है, ठीक है, क्योंकि आप जितना बार ओपन करोगे हर बार ये अपडेट का ऑप्शन देगा और आप बार बार नहीं कर सकते। और चलो इस तरीके से, उसके बाद आपको प्रॉक्सी पे जाना है और इंटरसेप्ट ऑन है। अभी हम लोग रिफ्रेश करके वेबसाइट को देखते हैं। चल बेसिकली ठीक है, चलो इसको स्मॉल कर लिया, इसको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो गया और यह हमारा यह, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं, तो इस तरीके से हमारा इंटरसेप्ट हो रहा है और वेबसाइट यूजर एजेंट वगैरह क्या है, ये सब बेसिक चीज है, ये सब आप पेटिस्टिक अगर पढ़े होगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो हमारा इंटरसेप्ट हो रहा है, इस तरीके से रुका हुआ है, यहाँ पे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसको एयर ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो ये फॉरवर्ड किए तो हमारा ओपन हो गया। तो बेसिकली अभी हमको क्या बोला है इस पर्टिकुलर सीटीएम में, एक्स फॉरवर्डेड को यूज करने के लिए। तो एक्स फॉरवर्डेड के लिए बेसिकली ऑप्शन में जाएंगे, आप ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको मैच, हाँ मैच एंड रिप्लेस में आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक ना। रिक्वेस्ट हेडर, तो रिक्वेस्ट हेडर में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऐड पे जाना है, ऐड पे जाएंगे जैसे आपको रिक्वेस्ट हेडर एंड यहाँ पे आपको मैच पे एक्स फॉरवर्डेड डेड फॉर लोकल होस्ट करना है और इसको ओके कर देना है। ओके कर दिया, अब देन इसको पेज को हमको रिफ्रेश करना है और फिर से प्रॉक्सी पे जाएंगे, इंटरसेप्ट पे, और इसको फॉरवर्ड करेंगे, फिर से फॉरवर्ड करेंगे और इसको फॉरवर्ड करेंगे। चलो फॉरवर्ड किया, नहीं हुआ, ठीक है। अभी हमको इसके साथ कुछ प्रॉब्लम आया होगा तो वो देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ। तो हमारा एक्स फॉरवर्डेड जो है लोकल होस्ट पे, वो इसको एडिट करना करके देखते हैं। तो बेसिकली आई थिंक मुझे लगता है कोलोन हो गया था इसलिए नहीं लिया ये, तो यहाँ पे सेमी कोलोन नहीं, कोलोन देते हैं, ठीक है। अभी हम इसको फिर से फॉरवर्ड करते हैं, इंटरसेप्ट पे जाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड किया। तो गाइज यहाँ पे रुको, देखो ये इसलिए मैं बोला था कि यार जब सीटीएफ आप सॉल्व करोगे ना तो बहुत सारे इशू आते हैं, तो लोग छोड़ देते हैं, ठीक ना, ये चीज को करना। तो आप कई बार हो सकता है कि आप एक सीटीएफ को सॉल्व भी किए रहेंगे और देन भी करेंगे तो आपको इस साथ प्रॉब्लम आ सकता है, तो इस तरीके से आप बोर ना हो। एंड फॉर लोकल होस्ट रिक्वेस्ट हेडर ये तो सही है, ठीक है। आप देखो इस तरीके की चीजों में आप फंसते हो ना, तो मैं बताता हूँ रिकमेंड आपको क्या करता हूँ कि आप गूगल का हेल्प ले सकते हो। तो आप गूगल का हेल्प लेने के लिए किस तरीके से सर्च कर सकते हो, आप दे सकते हो कि यार हाउ टू यूज लुक एक्स फॉरवर्डेड फॉर इन बॉबसूट। तो आपको वो सारा आर्टिकल्स जो भी मिल जाएगा उसमें या वीडियोज मिल जाएगा, तो वहां से आप ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो मैच आई थिंक कंट्रोल एक्स किया और कैंसिल किया और एडिट किया और रिप्लेस पे जाता हूँ, रिप्लेस पे ऐड करता हूँ, लिखता हूँ ओके,
अभी अभी फॉरवर्ड करते हैं, इंटरसेप्ट किया, फॉरवर्ड किया। हाँ सो ये देख सकते हैं अभी हम गलती क्या कर रहे थे वो आपको भी पता चल गया, नॉर्मल सा है ठीक ना। रिक्वेस्ट हेडर को हम लोग ऐड तो कर रहे थे, अभी एडिट करके दिखा रहे हैं, लेकिन मैच पर कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल वो गलत कर रहे थे हम ठीक ना। तो इस तरीके का आपके साथ भी इशू आ जाएगा। तो रिप्लेस हमको करना था, तो रिप्लेस में एक्स फॉरवर्डेड फोर और कॉलम, उसके बाद लोकल होस्ट आपको करना है, इस तरीके से कर सकते हो ठीक है। अभी किया ठीक है, अब तो यहाँ हम हमारा ये हो गया ठीक है। अब हमारा इस ब्राउजर को हम बेसिकली उसका काम हो गया। अभी लोकल होस्ट पे हमारा जो एक्सेस है वेलकम टू केवन कॉर्प, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था। तो अभी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है ठीक ना। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन का है, रजिस्टर का है, अबाउट का है। तो होम पे जाते हैं, तो होम पे तो ये हमारा वेबसाइट है ठीक है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको जो हमारा इंटरसेप्ट है इंटरसेप्ट को ऑफ कर देता हूँ, ताकि बार बार हमको ये नहीं करना पड़े ठीक है। इंटरसेप्ट को ऑफ कर दिया। अभी क्या करते हैं, होम पे गया इस तरीके से, होम लॉगिन, अभी लॉगिन पे जाते हैं। तो यूजर नेम पासवर्ड है, तो गाइस यूजर नेम पासवर्ड तो मेरे पास है नहीं, तो ABCD कुछ भी डाल के आप ट्राई कर सकते हैं। और लॉगिन पे देखते हैं क्या मिलता है इन्फॉर्मेशन, लॉगिन फेल्ड, क्योंकि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन इसके पास जो डेटाबेस है उसमें, डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन है नहीं तो लॉगिन नहीं हो पाए। तो उसके लिए और ऑप्शन दिया हुआ है, रजिस्टर का भी ऑप्शन दिया हुआ था। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि रजिस्टर का ऑप्शन में आप रजिस्टर कर सकते हो। तो चलो मैं अपने चैनल को रजिस्टर करता हूँ ठीक है। चैनल का नाम कर साइबर एक्सप्लॉइट, ईमेल साइबर एक्सप्लॉइट SKB@ टेस्ट मेल .com ठीक है, testmail.com। इस तरीके से हम ऐसे ही एज अ डमी डेमो ले लिया ठीक है। यूजर नेम आप साइबर एक्सप्लॉइट ही डाल सकते हो, कुछ भी डाल दो, अपना ABCDXYZ है, आप अपना नाम डाल सकते हो, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिया। चलो इस तरीके से लॉग इन पर क्लिक करते हैं ठीक है। तो अभी हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी हम यूजर नेम हमने क्या डाला था, साइबर एक्सप्लॉइट डाला था और पासवर्ड भी डाला था 1 2 3 4 5 6 7 8 डाला था। अभी लॉगिन करके देखते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग लॉगिन हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर डैशबोर्ड का भी ऑप्शन मिल चुका है, प्रोफाइल का भी और लॉगआउट का भी ऑप्शन मिल चुका है ठीक ना। और वेलकम भी कर रहा, आर यू रेडी फॉर इंस्पायरिंग द पीपल, लेट्स डू इट ओके। तो लॉगिन हो चुके हैं, अभी हम लोग डैशबोर्ड पे क्लिक करके देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला नहीं मिला, प्रोफाइल पे कुछ नहीं, यही सेम इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है ठीक है। और लॉग आउट पे करेंगे तो लॉग आउट हो जाएंगे ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमको एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिला है, जैसे ही प्रोफाइल पे हम क्लिक किए हैं वहाँ पे URL देखोगे तो यहाँ पे यूजर ID =12 दिखा रहा है। तो गाइस यहाँ पे SQL इंजेक्शन है, यूजर ID दिखा रहा है यानी 12, कहीं ना कहीं अगर जो हमने यूजर क्रिएट किया वो हमारा 12 है ठीक है, 12 उसको यूजर आईडी 12 मिला है। और यहाँ पे SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है इस वेबसाइट के अंदर ठीक ना। तो हम लोग एक पैरामीटर पे इसको इनोमरेट करके देखेंगे, यूजर आईडी =1 2 3 क्या 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 कौन कौन सा यूजर हमारा अवेलेबल है इस वेबसाइट के अंदर ठीक है। तो 1 पे चेक करते हैं, तो यूबेहू टैंडिंगनम लनफन जो भी है पता नहीं क्या है ठीक है इस तरीके से। चलो 2 पे देखते हैं, 2 एंग मॉन्ग लनफन है जो भी है पढ़ने भी नहीं आ रहा है। 3 पे देख लेते हैं, सूर्या टी। 4 पे सब सुबह देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट जैसे ही हम पैरामीटर डिफरेंट यूजर आईडी दे रहे हैं SQL इंजेक्शन पे, तो वो हमको डिफरेंट यूजर आईडी, यूजर नेम और नेम और पासवर्ड जो कि इंक्रिप्टेड फॉर्म में दिखा रहा है। तो चलो 5 करते हैं, सुबह देख सकते हैं यहाँ पे 5 में हमको बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिला है, यूजर नेम एलिस और पासवर्ड समथिंग है। सो गाइस यहाँ पे जब हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़े थे ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो 6 इस तरीके से 1 से लेकर 12 तक कर सकते हो। 6 के बाद कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन, 7 में कुछ नहीं है, 8 में कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है, 12 जो यूजर आईडी है उसमें है जो 12 मिला हम लोग को,
और 13 में देख लेते हैं कुछ नहीं है तो इस तरीके से। और 5 में 5 यूजर आईडी में जो हमको मिला है वो बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था जो हमारा जो इवन जो केवन कॉप का जो कंपनी का जो के अंदर जो काम करता है बंदा जो कपल है वो उसका नाम एलिस एंड बॉब है, ठीक है। तो एलिस का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, एलिस का नाम एलिस का पूरा नाम है, एलिस का यूजर नेम है एंड पासवर्ड है, तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, ठीक ना। तो चलो इसको पासवर्ड हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसको इंस्पेक्ट करते हैं क्योंकि पासवर्ड यहाँ पर शो कर रहा है, तो इंस्पेक्ट जैसे ही करेंगे तो इंस्पेक्ट करके इसका पासवर्ड को हम लोग देख सकते हैं। आप इंस्पेक्ट करने के बाद आप सॉरी नेटवर्क में नहीं, आप कंसोल में जाएंगे, डिबगर मोड ब्रेक पॉइंट, चलो इंस्पेक्ट में ही जाएंगे और अभी देखते हैं कि यहाँ पे हाँ ये वाला पार्ट को हमको करना है ना, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज देख सकते हैं जब पासवर्ड वाला फाइल को पासवर्ड वाला प्लेस को हम लोग इंस्पेक्ट किए तो वहाँ से इंफॉर्मेशन मिला है और पासवर्ड कुछ सॉरी फिर से मैं करके दिखा दे रहा हूँ, इंस्पेक्ट किया। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इनपुट आईडी पासवर्ड है, इनपुट आईडी पासवर्ड एंड टाइप पासवर्ड एंड नेम पासवर्ड एंड वैल्यू इक्वल टू 4LIC3 कुछ ऐसा है। तो गाइस आई थिंक मुझे लगता है यही पासवर्ड हो सकता है, ठीक ना। तो इस पे इसको हमको लॉगिन करके ट्राई करना चाहिए, तो चलो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को, कॉपी किया और जो हमारा यूजर नेम है एज ए एलिस है। सो गाइस यहाँ पे चलो ये इसको इस चीज़ को मैं अभी हटा देता हूँ। और सबसे पहली बात कि जो मैंने इन जब स्कैनिंग पार्ट में देखा था तो स्कैनिंग पार्ट में क्या था कि हमारा जो SSH ओपन था, तो SSH ओपन था तो कहीं ना कहीं किसी यूजर के लिए ओपन होगा, तो चलो एलिस के लिए हम लोग SSH लॉगिन करके ट्राई करते हैं। तो अभी हम लोग SSH लॉगिन करेंगे, ठीक है। चलो इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीन आपको बड़ा नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आई थिंक अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो SSH लॉगिन के लिए SSH कमांड देते हैं, उसके बाद एलिस हमारा यूजर नेम है एंड देन @ जो हमारा सर्वर का आईपी है, यानी सर्वर का आईपी क्या था यार, 192.168.43.89, ठीक है, 192.168.43.89 और इंटर करते हैं। सो आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, यस। और पासवर्ड सो गाइस देख सकते हैं एलिस के लिए जो पासवर्ड है वो अभी हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं, तो पेस्ट करके देखते हैं हमको लॉगिन एक्सेस मिलता है कि नहीं। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोग एलिस @ गर्लफ्रेंड जो हमारा यूजर है वहाँ पे हमको लॉगिन मिल चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एलिस करके देख लेते हैं, LIS-AL करके देख लेते हैं कि कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। सो गाइस देख सकते हैं एलिस नॉर्मली मैंने किया था तो वहाँ पे कुछ नहीं था क्योंकि जो हमारा हिडन नाम का एक .my_secret नाम का फोल्डर बना हुआ है जो कि हाइड है, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं कि क्या है, .my_secret के अंदर जाते हैं, एलिस किया इसके अंदर। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे flag1.txt। सो गाइस कितना इजीली तरीके से हम लोग इस चीज़ को इसका फ्लैग को मिल चुका है, तो कैट करके देखते हैं कि क्या फ्लैग है, कैट flag1.txt। सो गाइस देख सकते हैं flag1.txt जो है हमारा फ्लैग है, GFRI गर्लफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड, और ये हमारा फर्स्ट फ्लैग है, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लैग है, ठीक है। अब क्या है, अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट बनता है सेकेंड फ्लैग के लिए, तो सेकेंड फ्लैग के लिए गाइस हमको करना क्या होगा कि विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हमको पहले sudo परमिशन, वहाँ पे गाइस जब डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या बोला था कि जो हमारा जो भी वो बंदा हाइड कर रहा था उस अपने गर्लफ्रेंड से, ठीक है, या ठीक है, तो वो क्या था कि वहाँ पे आपको फुल एक्सेस मांग रही थी, ठीक है। अगर एलिस का हमको फुल एक्सेस मिल जाए तो हमारा वो क्या हाइड कर रहा है वो पता चल जाएगा, यानी फ्लैग पता चल जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग sudo -L कमांड
यूज करते हैं सुडो परमिशन के लिए कि किस किस को सुडो का परमिशन है। तो सुडो हाइफन एल किया, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे क्या है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हु एम आई करके देख लेते हैं। हु एम आई तो एलिस बता रहा है, और हु जैसे ही करेंगे तो इस तरीके से और बता रहा है, ठीक है। और su कमांड चला के दिखाते हैं, sudo su su, और एलिस के लिए पासवर्ड डालते हैं। तो गाइस देख सकते हैं su सॉरी यूजर एलिस इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट बिन su एज अ रूट ऑन गर्लफ्रेंड। ओके, तो issue का परमिशन sudo su का परमिशन नहीं है दिया हुआ। तो किसको परमिशन दिया हुआ है, किस पर्टिकुलर फाइल को, किस लोकेशन को, किस डायरेक्टरी को, किस स्क्रिप्ट को, या कुछ भी बोल सकते हो, जो कि परमिशन किसको दिया हुआ है सुडो का परमिशन। तो यहीं पे बात आता है प्रिविलेज एस्केलेशन का। सो गाइस प्रिविलेज एस्केलेशन का मैं छोटे छोटे वीडियो बना चुका हूँ, ठीक ना, जो कि मैं 3-4 वीडियो बनाया था, उसमें बताया था बेसिक्स प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है, नॉर्मल बेसिक्स आप लिनक्स पे अपने मशीन पे प्रिविलेज एस्केलेशन का कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, sudo hyphen control l से इसको क्लियर किया, sudo hyphen l से चेक करते हैं कि क्या है हमारा किसको परमिशन मिला हुआ है sudo का। तो गाइस देख सकते हैं रूट का जो परमिशन है नो पासवर्ड यूजर बिन पीएचपी। सो गाइस क्या है, यूएसआर बिन जो हमारा जो फाथ है और ए पीएचपी। तो गाइस अभी रूट यूजर को पीएचपी मतलब पीएचपी का परमिशन दिया हुआ है कि आप कोई भी पीएचपी स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो एज अ रूट, ठीक है। तो एज अ रूट आप इजिली उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो यहाँ पे बात आती है गाइस प्रिविलेज एस्केलेशन का, ठीक ना। तो प्रिविलेज एस्केलेशन में हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं कुछ पीएचपी पे बने रिवर्स सेल स्क्रिप्ट का, उसका यूज करके आप सेल ले सकते हो, आप रूट प्रिविलेज ले सकते हो, ठीक ना। तो वो चीजें आप कहाँ से कर सकते हो, चलो मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, और अभी मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से सर्च करना है। गूगल ओपन कर लेना है और आपको करना लिखना क्या है गूगल में, पीएचपी रिवर्स सेल, पीएचपी रिवर्स सेल, ठीक है। तो जो पेंटेस्टर मंकी वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, यानी थर्ड वाला लिंक है वेबसाइट का, ठीक है। ये आप इसके गिटहब वेबसाइट पे भी जा सकते हो। तो ये हमारा स्क्रिप्ट है, इसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। तो आपको इस तरीके से, ठीक है, अभी तो पीएचपी का एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो पीएचपी सेल आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल पीएचपी नेटकैट, चलो ठीक है, रिवर्स सेल, रिवर्स सेल वेब सेल नहीं, पीएचपी चलो। यहाँ पे यहाँ से उस फाइल को मैं थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि उसको हम करें यूज। तो यहाँ पे रिवर्स सेल और गिटहब पे देखते हैं इसका स्क्रिप्ट, जो छोटा सा स्क्रिप्ट है, बेसिक सा स्क्रिप्ट, मुझे तो याद है लेकिन मैं आपको यूज करके डायरेक्ट बता दूंगा तो आप चीजें नहीं समझ सीख पाओगे, ठीक ना। तो बेसिकली मैं यही चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये भी स्क्रिप्ट है, आप इसका यूज करके भी आप रिवर्स से ले सकते हो, बट मैं इसको यूज नहीं करने वाला है क्योंकि ये वर्डप्रेस वगैरह में ज्यादा यूजफुल होता है कि उसके अंदर फाइल को अपलोड कर दिया और देन रिवर्स से ले लिया, ठीक है। तो पीएचपी पास
पास थ्रू नाम का एक पास थ्रू पीएसपी अभी पीएचपी रिवर्स सेल आपको यह चीजें सर्च करना है तो पास थ्रू नाम का एक बेसिकली आता है ठीक ना पेलोड बोल सकते हो उसका यूज करके आप बेसिक बहुत ही छोटा सा है ठीक ना। हाँ तो ये है हमारा स्क्रिप्ट ठीक ना। इस स्क्रिप्ट का यूज करके नेटकेट कमांड के थ्रू चलो चलो इसको ही यूज करके हम लोग देखते हैं कि क्या है रिवर्स मिलता है या नहीं मिलता ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट बी किया ठीक है और इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा एक हमारा सिस्टम पे नेटकेट कमांड चलाना पड़ेगा हमारे रिवर्स सेल डिलीशन करने के लिए। तो एनसी सॉरी यहाँ पे हो रहा है तो एनसी हाइफन एल भी पी यूज करते हैं और पोर्ट नंबर देते हैं उसके बाद। तो चलो 1234 पोर्ट नंबर ले लिया लिसन हो रहा है अभी इसका 123 पोर्ट है और हमारा जो आईपी एड्रेस है इसको हमको चेंज करके देखते हैं हमारा जो मशीन का आईपी एड्रेस है तो 192.168.43. आई थिंक 15 मेरा होना चाहिए। चलो मैं अपने मशीन का आईपी एड्रेस जहाँ पर रिवर्स से लेना है तो आई एफ कन्फिग कमांड के थ्रू मैं चेक कर लेता हूँ 43.9 है 43.9 है ठीक है। तो 9 लिया और चलो एग्जिट किया अनएक्सपेक्टेड टोकन ये स्क्रिप्ट जो है ना रुको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बढ़िया से थोड़ा स्क्रिप्ट प्रॉपर रिवर्स सेल इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो देख सकते हो ठीक ना। बापसूट प्रॉब्लम बोल रहा है चलो ठीक है बिन बैस पीएचपी चलो ये भी एक स्क्रिप्ट है ठीक ना। चलो इसका यूज करके देखते हैं कि क्या है हमारा हमको सेल मिलता है कि नहीं मिलता है ठीक है। तो इसको हटाएं और अभी पोर्ट वही ओपन रहेगा ठीक है और इसको हम लोग कंट्रोल शिफ्ट भी किया और अभी हम लोग चेक हमारा जो पोर्ट नंबर है वो 1234 लिसन कर रहे हैं 1234 और हमारा आईपी एड्रेस है आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा 192.168.43.9 है और इंटर करते हैं। सो गाइस जैसे ही इंटर किया अभी हमको यहाँ पे रिवर्स सेल मिल चुका है ठीक है रिवर्स सेल मिल चुका है। अभी एलएस करके देखते हैं यहाँ पे हमको क्या होगा बेसिकली कि पाइथन का हमको ये चलाना पड़ेगा ठीक है पाइथन का पीटीवाई स्क्रिप्ट चलाना पड़ेगा और हमको लेना पड़ेगा उसका। तो अभी कैसे किस तरीके से आप यूज कर सकते हो वो मैं मुझे याद है देखो ठीक है मैं ये सब छोटा छोटा स्क्रिप्ट याद करके रखा हूँ पाइथन pty spawn
इस तरीके से आप गूगल कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल करेक्ट जगह पे आप जाओगे और आप सही से सर्च कर पाओगे। इस सारी चीजें आप धीरे धीरे सीख रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा स्पॉन पाइथन स्पॉनिंग स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट का यूज करके मैं कॉपी किया और डिलीट कट पे गया, पेस्ट किया और इंटर किया। चलो इंपोर्ट एलएस किया, सुडो एसयू एलएस पर पासवर्ड, जो हमारा पासवर्ड था, तो हमारा एलएस के लिए पासवर्ड क्या था, इवन कॉप में ये वाला पासवर्ड था। अभी हम पासवर्ड दे के देखते हैं कि क्या हमको रूट का प्रिविलेज मिलता है या नहीं मिलता। पेस्ट किया, सॉरी एलिस इज नॉट अलाउड। तो ये यहाँ तक तो गाइस हमको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मायने नहीं बनता कि हम इसको कंट्रोल शिफ्ट किया और चलो बाहर हुआ, यहाँ से एग्जिट बाहर हुआ और यहाँ तक तो हमको मिल ही चुका है। sudo hyphen l, ठीक है। सो बेसिकली करना क्या है हमको कि यहाँ पे with sudo permission चलाना पड़ेगा, sudo और यहाँ पे MVP और एग्जिट किया। सो गाइस देख सकते हैं बेसिकली गलती क्या कर रहा था कि जो यहाँ पे मैंने नॉर्मल चला दिया था इसका स्क्रिप्ट को, ठीक ना, और इसलिए हमको नॉर्मल एक्सेस मिल रहा था। अभी हमको sudo के साथ हमको चलाना था, तो sudo कमांड चलाना, sudo बेसिकली यूज करते हैं हम लोग रूट प्रिविलेज के लिए, रूट एक्सेस के लिए, ठीक ना। sudo su आपको पता होगा, ठीक ना। तो गाइस अभी हमको जो कनेक्शन मिला है यहाँ पे, तो गाइस देखा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो कनेक्शन मिला है और ये हमारा रूट का एक्सेस मिल चुका है। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको करके, ठीक है। ये हमारा जो सिंबल, पहली बात की जो ये हैश टैग का सिंबल, sudo का सिंबल होता है, ठीक ना। तो मैं इसको हु एम आई करके भी दिखा देता हूँ, हु कमांड भी चला सकते हैं, एलिस है, तो हु एम आई, तो हु एम आई जैसे किया, ये गाइस देख सकते हैं हमारा रूट दिखा रहा है, रूट यूजर। तो अभी जो नेक्स्ट जो हमारा फ्लैग है, जो फाइनल फ्लैग, इसी रूट डायरेक्ट फुल एक्सेस मिल गया। तो कहीं ना कहीं इसी रूट डायरेक्ट जो फाइनल जो हमारा फ्लैग होता है, कहीं भी किसी भी सिटी को आप सॉल्व करते हो तो रूट डायरेक्ट के अंदर ही होता है। तो एलएस करके देख लेते हैं, कुछ नहीं है, एलएस हाइफन एल कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, माइट सेक्रेट दिखा रहा है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, सीडी रूट के अंदर जाना पड़ेगा और पीडब्ल्यू डी करके देख लेते हैं, होम के अंदर है, सीडी रूट नहीं है, सीडी होम एलएस सीडी एलएस पीडब्ल्यू डी एलएस किया, हाइफन एल किया। चलो यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं यहीं पे पड़ा होगा हमारा cd hyphen root किया। अभी हम root अभी आ गए हैं root के अंदर। सो गाइस देख सकते हैं root डायरेक्टरी के अंदर आ गए और ls करते हैं यहाँ पे। सो गाइस देख सकते हैं ls जैसे क्या है, यहाँ flag.txt जो हमारा दूसरा फ्लैग है, फाइनल फ्लैग, वो मिल चुका है। इसको कैट करके देख लेते हैं, flag2.txt और इस तरीके से इंटर किया। सो गाइस देख सकते हैं द क्या है, गॉट द फ्लैग, बहुत ही अच्छा मिला। या यू हैव सक्सेसफुली हैक दिस कंपनी सर्वर, गाइस इस कंपनी के सर्वर को तुमने हैक कर लिया है, ऐसा ये बोल रहे हो। आई होप यू हैव जस्ट लर्न एंड कैन गेट अ नॉलेज फ्रॉम द हेयर एंड आई रियली होप यू गाइस गिव मी फीडबैक फॉर दिस चैलेंज वेदर यू लाइक यू बिकॉज इट रेफर नॉट फॉर समथिंग ब्ला ब्ला बेटर एंड आई होप दिस कंटिन्यू कॉन्टेक्ट। अब इस चीज़ को, इस ये जो राइट किया है, इसको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, इसका इंस्टाग्राम ट्विटर आइडिया, और यह हमारा फाइनल फ्लैग है।
सो गाइस वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। 49 मिनट के वीडियो हो चुके हैं, लेकिन गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी है, और मैं जानबूझ के कुछ कुछ चीजें इस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पहले ऑलरेडी सोल्व किया था, ठीक ना, और मैं चाहता तो इसको 15 से 20 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर देता, ठीक ना, और इजिली कर पाता। लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चीज को देख रहे हो, ठीक ना, तो आप सीखो आप कैसे सर्च करते हैं, कैसे अटेम्प्ट लेते हैं, ठीक ना, तो ये सारी चीजें आपने सीखा होगा, कैसे गलती करते हो आप, सर्च कैसे नहीं कर पाते हो, कैसे आपको गुड आर्टिकल नहीं मिलते, कैसे आप जो आपको चाहिए होता वो चीजें सर्च नहीं कर पाते हो, तो उस चीजों के लिए मैंने वो सारी चीजें गलती करके आपको दिखाया था, ठीक ना। तो आई होप यू गाइस कि आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखी होगी, अगर आपका फर्स्ट CTF होगा तो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस CTF को प्रैक्टिस करें, अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल है तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखो आप देख लेने से नहीं होता भाई, आप जब करने जाओगे ना तो आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ भी सकते हो, अगर गाइस पॉसिबल हुआ ना, तो आप नए बंदे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको मैं हो सकता है पॉसिबल, अगर मुझे टाइम रहा तो मैं टीम व्यूअर्स के हेल्प लेकर भी आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ, ठीक ना, अगर कहीं से प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट CTF में, और जो हमने सेल स्क्रिप्टिंग का जो कंटिन्यू रखा है उस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद इतना 49-50 मिनट हमारे चैनल पर टाइम देने के लिए, इस वेबसाइट पर टाइम देने के लिए, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और गाइस डिस्क्रिप्शन चेक करना, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आपको वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।